नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर में अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने अपनी चार सूत्री मांग महंगाई भत्ता केंद्र के समान अर्जित अवकाश 250 से 300 दिन करने महंगाई भत्ता बढ़ाने एरियस राशि का समायोजन करने को लेकर पुलिस थाने से तहसील कार्यालय तक मशाल रैली निकालकर अपनी मांगों का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। अधिकारी फेडरेशन का कहना है कि यदि सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आगामी 27 सितंबर को सामूहिक अवकाश लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अध्यापक शिक्षा विभाग से तो आज का जो मुद्दा था हम लोग यहाँ पर आए ज्ञापन सौंपने के लिए, तो इसमें हम जो हमारा जो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन शाखा छोटे डोंगर की ओर से यहाँ मशाल रैली का आयोजन किया गया। इसमें सभी विभाग से हमारे कर्मचारी भाई बंधु हैं और जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर इस मशाल रैली में आए हैं। और इस रैली का जो मुख्य उद्देश्य है, जो सरकार जो है अपने जो घोषणा पत्र है उसमें कर्मचारियों को जो डीए देना था केंद्र के समान तो वह नहीं दे पाए। इसके अलावा जो है महंगाई भत्ता और जो अर्जित अवकाश है, अर्जित अवकाश का जो दिनों की संख्या है 300 होना चाहिए तो पूरा नहीं कर पा रही है। और जो हमारा जो एरियास की राशि है महंगाई भत्ता संबंधित, वह राशि का जो समायोजन है जीपीएफ खाते में जमा कराना है। इस हेतु जो है सरकार जो है अनदेखा कर रही है, हमारे मांगों को पूरी नहीं कर रही है जो कि उचित नहीं है, क्योंकि उन्होंने वादा किया था। और हमारे जो प्रांतीय लेवल के पदाधिकारीगण हैं इस संबंध में चर्चा की है, लेकिन हमको अभी तक उसका उचित या न्याय संगत परिणाम नहीं मिला है। तो इसीलिए हम लोग जो है आज मशाल रैली तीसरा चरण में कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मशाल रैली के अलावा आगे क्या किस तरह की रणनीति होगी? आगे की रणनीति हमारे सभी जो कर्मचारी भाई बंधु हैं उनको 27 सितंबर को एकजुट होकर एक दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर अपने ब्लॉक मुख्यालय में या तहसील मुख्यालय में फिर से धरना प्रदर्शन करना है, ताकि हम जो है इस सरकार को चेतावनी दे सके, जगा सके, ताकि हमारा जो मांग है उसको पूरी करें। नारायणपुर से संतोष नाग की रिपोर्ट।